अगला प्रश्न है पूजा जी का। मेरा एक प्रश्न है कि जब हम भगवान की आरती करते हैं तो कई बार आरती से पहले संकीर्तन छोड़ने का मन नहीं करता है और आरती करना फॉर्मेलिटी लगता है, क्या ये अपराध है? अपराध कुछ भी नहीं है पूजा जी। ये भक्ति जो राज्य है ये भाव का राज्य है। संकीर्तन क्यों छोड़ते हैं? संकीर्तन में मन लग रहा है, अरे भैया सारे ऋषि मुनि हम लोग हार गए के मन लगे। और संकीर्तन में यदि मन लग रहा है तो करते रहिए संकीर्तन, क्यों करते हैं आरती? रोक दीजिए आरती को और एक घंटे बाद कर लीजिए। अरे मत करिए आरती, क्या जरूरी है? और यदि संकीर्तन को रोक के भी आरती करते तो कन्हैया की ऐसी इच्छा है, इसमें भी क्या बात है? कोई हानि नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हमारे अध्यात्म में अपराधों से बहुत डराया जाता है, आप बिल्कुल नहीं डरिए। पाप से भले ही डर लीजिए, अपराध से मत डरिए, क्योंकि अपराध से कोई हार पैर कटने वाला नहीं है, कोई आपको बुखार होने वाला नहीं है, कोई आपको कोढ़ होने वाला नहीं है, कोई आपको कष्ट होने वाला नहीं है, कोई आपकी धनहानि होने वाली नहीं है। केवल जिस काम में आप लगे हुए हैं वो यदि अपराध सहित होगा तो उसमें समय अधिक लग जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, बताने वाला कोई है नहीं, साधन कोई है नहीं। तो अपराध सहित सेवा करने से भी एक समय आएगा, अपराध छूटते जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते जाएंगे। और निरपराध होकर आप सेवा करेंगे तो वही काम जो 2 साल में होना है 2 महीने में हो जाएगा, बस इतना अंतर है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है और अपराध से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब कार्यों में सावधानी बरतनी है और देख के समझ के, भाव ही प्रधान है भक्ति राज्य में। भाव से आप करते रहिए, भाव से करते रहिए, विधि से करते रहिए, वो भाव ही आपको सही मार्ग पर। आप यदि गलत भी हैं तो मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूं कि गलत कर छोड़िए मत, घबराइए मत, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने से यदि डर लगता है, गाड़ी चलाना आप छोड़ देंगे तो जीवन में चला नहीं पाएंगे। डरिए मत, सावधानी से चलाइए, धीरे धीरे चलाइए, सुबह सुबह चलाइए, खाली सड़क पर चलाइए, धीरे धीरे भीड़ में चलाइए, धीरे धीरे बिना मोड़ पर चलाइए, अकेले चलाइए, इंस्ट्रक्टर को साथ बैठा के चलाइए, चलाइए, चलाते रहिए, अपने आप आपका हाथ साफ हो जाएगा। जय श्री राधे, जय नीताई।